मेरा नाम हिना गुल है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ और 7 साल में मैं होम बेस में आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ। 22-23 साल हो गए मैं ये काम कर रही हूँ। बचपन से मेरी हॉबी थी, बचपन से मेरा शौक था कि मैं गुड़ियाएँ बनाऊँ और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ, ये मेरा शौक था और आज इसी को मैं लेकर रोज़ी कर रही हूँ, अपना गुजर बसर कर रही हूँ। मुख्तलिफ कल्चर्स के डॉल्स बनाती हूँ मैं और ज्वेलरीज वगैरह बनाती हूँ, छत के फानूस बनाती हूँ, कपड़ों पे डिज़ाइनिंग करती हूँ और इन चीज़ों को करके मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। और मैं अपने जितने ट्रांसजेंडर आने वाले जितने यंग जनरेशन हैं, मैं उनको भी यही दावत देती हूँ कि आप लोग भी आएँ, आगे हिस्सा लें और मुझसे ये चीज़ सीखें और अपने रोज़गार इसको बनाएं, बजाय बिगिंग के, बजाय डांसिंग के, बजाय इधर उधर भटकने के, आप बेहतर है कि अपना रोज़गार बनाएं और होम बेस पर काम करें। इसमें अल्लाह की भी रज़ा होगी और दुनिया भी खुश होगी, आप भी खुश होंगे। पुराने डॉल्स लाती हूँ, बारबी डॉल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, डॉलों के भी नाम होते हैं ना, डेजी, बारबी, मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं, उनके मुख्तलिफ चेहरे होते हैं, जैसे कि ये हैना है और ये भी हैना की है और ये बारबी डॉल है, आप ऊपर देख रहे हो तीनों। तो मैं मुख्तलिफ कल्चर की डॉल लाती हूँ, फिर उसको मैं सजाती हूँ, नया लुक देती हूँ और मुख्तलिफ कल्चर की बनाती हूँ, जैसे कि अमेरिकन ब्राइडल बनी हुई है, ये लंदन की बनी हुई है और ये देखें पाकिस्तानी सकाफत में मैंने राजस्थानी डिज़ाइन करा हुआ। इसको डिज़ाइन करने में तो मुझे तकरीबन अपने जहन से करती हूँ, मैं अपने आप मदद करती हूँ, मैं नकल नहीं करती कि मैं नेट में देखूँ या कहीं से नकल करूँ, मैं अपने जहन से बनाती हूँ, दुनिया की सकाफत को देखकर, दुनिया के कंट्री के लोगों को देख के उस तरह की मैं गुड़िया बनाती हूँ और मुझे दिन में 3 से 4 डॉल्स में तैयार कर लेती हूँ और उसके कपड़े भी मैं खुद ही सीती हूँ, खुद ही डिज़ाइनिंग करती हूँ। दूसरी ख्वाजों की तरह मैं भी डांसिंग करती थी, मैं भी बैगिंग करती थी, मगर मैंने अभी अपना रोज़गार इसको बना लिया क्योंकि ये टैलेंट मेरे अंदर बचपन से था। वो कोरोना के दौरान मैं इतनी परेशान थी कि यार अब मैं क्या करूं, नाच गाना बंद हो गया और दफ्तर में जाना भी मसला अजाब बन गया, मास्क लगाएं, ये करें वो करें, बड़ी पाबंदियाँ थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं होम बेस में बैठ के ये काम शुरू करूँ, ऑनलाइन ये चीज़ें बेचना शुरू कर दूँ। जब मैंने काम शुरू किया तो अल्लाह ने और आप लोगों जैसे लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे अप्रिशिएट किया। फ़र्स्ट टाइम तो मैं ख़ुद भी घबरा रही थी, जब फर्स्ट टाइम मेरा बीच लक्सरी में लग रहा था स्टॉल, तो मैंने कहा अल्लाह पता नहीं क्या होगा, मुझसे लोग ख़रीदारी करेंगे नहीं करेंगे, मुझे देख के इग्नोर कर देंगे, धुतकार देंगे कि ख्वाजा सारा देखो नाच गाने छोड़कर ये काम शुरू कर दिए। मैंने कहा अल्लाह का नाम लेकर मैंने ये कदम उठाया और मैं पहले ही दिन ही कामयाब हुई और लोगों ने मुझे बहुत सहारा कि मेरे 3 घंटे में सब सेलिंग हो गई थी। मेरी तो मुफ्ती कराची का एक होटल भी मैंने नहीं छोड़ा और हैदराबाद ले लें, सक्कर ले लें, आप इस्लामाबाद ले लें, लाहौर ले लें, सब जगह में मैंने एग्जीबिशन किए और अभी हाल ही में नेपाल गई हुई थी और अभी मेरा चांस है इंशाल्लाह कैनेडा का। फिलहाल मैं अकेली कर रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और मैं अपने आप तहत मदद कर खुद करती हूँ और मेरे साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं और ना कोई काम करने वाला है। एक मुख्तलिफ प्राइस है, जैसे कि आने वाले इंसान को मैं देखती हूँ कि वो अफोर्ड कर सकते कि नहीं, फैमिली गरीब है तो फिर उस हिसाब से मैं उनको देती हूँ, अगर अमीर फैमिली है तो वो बात ही नहीं करते। जैसे मैं टैग लगाती हूँ कि ये गुड़िया मैं 2,500 में दे रही हूँ तो वो मार्केटिंग नहीं करते, 2,500 में ले जाते। अभी गरीब तबके के लोग आते हैं, बच्ची बच्चे को लेकर आते हैं, जी 1,000 रुपये में दे दें और 1,500 में दे दें, फिर मैं उनको दे देती हूँ। मेहनत में अजमत है और हिम्मत ना हारिएगा, आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी आता है और आप ख्वाहिश रखते हैं सीखने के लिए तो ज़रूर सीखिएगा। और मेरे जैसे देखें, जैसे कि मेरे को अल्लाह का शुक्र है, मेरे को इससे मैं अपना रोज़गार करती हूँ, अपने कपड़े बनाती हूँ, अपनी ज्वेलरी बनाती हूँ और अपने घर का किराया देती हूँ, अपने दवाइयाँ अफोर्ड करती हूँ, इसी चीज़ों से करती हूँ मैं।